अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्तुगरुल कौन थे, अर्तुगरुल पर ड्रामा बनने की वजह क्या थी और उनकी मस्जिद और उनका मज़ार कहां पर है, सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो में। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सल्तनत उस्मानिया के बानी और इसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तुगरुल गाजी था। अर्तुगरुल गाजी बहादुर, नडर, जंगजू शख्स थे जो अपने कबीले का दिफा करना खूब जानते थे। इन्हीं की फतुहात के बायस सल्तनत उस्मानिया का क्याम मुमकिन हुआ था। तुर्क सीरीज अर्तुगरुल गाजी इन्हीं की कहानी है। इस ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए इसी तारीख का दूसरा हिस्सा भी रिलीज किया जा चुका है, जिसमें उस्मान अर्तुगरुल के बेटे की जिंदगी का अहाता किया गया है। अर्तुगरुल पर ड्रामा बनने की वजह, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत के माहिर बशरियात जोश गार्नी ने मिडल ईस्टर्न रिव्यू में शाया होने वाले एक मजमून में सवाल उठाया कि तुर्क हकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर अर्तुगरुल का ही इंतखाब क्यों किया। जोश गार्नी का कहना है कि शहरी अफाक तुर्क सीरीज अर्तुगरुल की कहानी इनके कबीले काई की अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ाई पर मबनी है। अर्तुगरुल को तुर्की के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। गार्नी कहते हैं कि एक ऐसे किरदार के बारे में टीवी सीरियल बनाने में जिसे लोग नहीं जानते, आसानी ये है कि इसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है। दूसरी ज़्यादा मकबूल शख्सियात की खूबियों और खामियों के बारे में लोगों को मालूमात होती हैं। कार्नी का मजीद कहना है कि इससे पहले सुल्तान सुलेमान पर बनने वाली सीरीज इसीलिए कामयाब नहीं हो सकी, जबकि अर्तुगरुल के बारे में सीरीज बनाना ऐसा था जैसे खाली स्लेट पर मर्जी के रंग भरना। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोगत के इलाके जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अर्तुगरुल को सल्जूक सुल्तान से मिला था, वे अर्तुगरुल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मज़ार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अर्तुगरुल के बेटे ने इनके लिए बनाई और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया। इस मस्जिद और मज़ार पर इतनी बार काम हुआ कि इसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।